हम चर्चा कर रहे थे जिन लोगों को संतति नहीं है, ऐसे गृहस्थी, उन गृहस्थों में भी जो माताओं बहनों की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में भी उनको कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा एक वृक्ष है। इसके लिए इसकी तने की, इसकी जोड़ी थोड़ी सी छाल, इसके पेड़ की छिलके को, जैसे आप देख रहे हैं ये पतली सी होती है, जैसे पटसन की तरह से इसमें से एक चिकना चिकना सा होता है और इस तरह के ये निकलता है, इसको लेकर के छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप सुखा दें, पत्तियाँ भी ले लें और ये थोड़े फल भी ले सकते हैं। फल को लेकर के आप उसको अपने छाया में सुखा करके इसके पंचांग को रख लें और रखने के बाद में लगभग 5 ग्राम वह पंचांग और लगभग 1 ग्राम काली मिर्च, इसका जो पंचांग है उस पंचांग का आप काढ़ा बनाइए, काली मिर्च मिलाइए और सुबह शाम पिए। हालांकि हम एक गोली बनाते हैं स्त्री रसायन करके, वो स्त्री रसायन भी बहुत कारगर है जिन माताओं बहनों के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और पीरियड वगैरह कभी कभी रेगुलर होते हैं या कभी कभी सारे कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में भी जिनको इश्यू नहीं होता है, उनके लिए दिव्य स्त्री रसायन एक निरापद और एक बहुत अच्छी औषधि हम आपके लिए बड़े पुरुषार्थ से और बड़े अनुसंधान के बाद हमने निर्माण किया है।